बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। तो आज हम ऑटोकॉइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर आई हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहला ऑटोकॉइट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेरोटोनिन। ऑटोकॉइट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोकली प्रोड्यूस और लोकली एक्शन करते हैं। ऑटोकॉइट में पहला सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के कुछ एगोनिस्ट होते हैं, सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। इनके नाम और इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन को कवर कर लेते हैं। पहले सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट को, तो एंटागोनिस्ट में 1A, 1B और 4 वाला, ठीक है। वन वैसे इसका निमोनिक था 1 to 4। तो सेरोटोनिन का टाइप 2B एगोनिस्ट होता है जिसका नाम है लोरकैसेरिन, जो ओबेसिटी के अंदर इस्तेमाल होता है। जबकि 1A के जो एगोनिस्ट होते हैं वो एंटी एनजाइटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुस्पिरोन इज मेन इंपॉर्टेंट है, बुस्पिरोन जो सीडेटिव हिप्नोटिक वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है। इसके बाद 1B का जो एगोनिस्ट है ये एंटी माइग्रेन होते हैं, इसमें सुमाट्रिप्टान, जुलमिट्रिप्टान वगैरह आ जाते हैं। जबकि टाइप 4 एगोनिस्ट स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो सिज़ापिराइट आ जाता है इसके अंदर, सिज़ापिराइट और टीगासिरोट। ओके, सेरोटोनिन के जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो टाइप 2 और टाइप 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जो टाइप 2 एंटागोनिस्ट में सिप्रोहिप्टाडीन, किटनसरीन और फिनॉक्सीबेंजामिन वगैरह आ जाते हैं। टाइप 2A और 2C को इनहिबिट करने वाले क्लोजापिन, जबकि टाइप 3 को ब्लॉक करने वाला ओडेनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, एलोसेट्रॉन वगैरह, डोलासेट्रॉन वगैरह आ जाते हैं। अब यूएस एमिली के सिनेरियो देख लेते हैं। आज 77 ईयर ओल्ड पेशेंट फ्रॉम शिकागो गोज टू हिज फैमिली डॉक्टर कंप्लेनिंग ऑफ परसिस्टेंट एंड सीवियर हेडेक विद ओरा। हिज फिजिशियन डायग्नोसिस माइग्रेन हेडेक एंड प्रिस्क्राइब सुमाट्रिप्टान। तो सुमाट्रिप्टान का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, सुमाट्रिप्टान सेरोटोनिन एगोनिस्ट होता है जो कि माइग्रेन हेडेक को खत्म कर देता है। तो सुमाट्रिप्टान किस कैटेगरी से आता है, सुमाट्रिप्टान 1B एगोनिस्ट होते हैं, 1A वाले एंटी एनजाइटी के अंदर 1B इस्तेमाल होते हैं माइग्रेन हेडेक के अंदर। एंटी माइग्रेन ड्रग कौन कौन सी होती है, तो एंटी माइग्रेन में जो ट्रिप्टान आती है जो 1B रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, एगोनिस्ट होती है। सबसे फास्टेस्ट जो होती है वो होती है रिजाट्रिप्टान, सबसे शॉर्टेस्ट सुमाट्रिप्टान, एसएस शॉर्टेस्ट और एसएस सुमाट्रिप्टान, और लंबा लॉन्ग तो फ्रोवा ट्रिप्टान। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन, तो एस्पिरिन पैरासीटामोल होती है एक्यूट के लिए क्योंकि वो हेडेक होता है। लेकिन क्रॉनिक एक्यूट सीवियर माइग्रेन के लिए यानी क्रॉनिक लेवल के लिए या प्रोफाइलेक्सिस के लिए प्रोपेनोलोल आ जाएगी, जबकि एक्यूट सीवियर माइग्रेन के लिए सुमाट्रिप्टान। तो तीनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, एक्यूट माइग्रेन लेकिन सीवियर नहीं है एस्पिरिन पैरासीटामोल, सीवियर है तो सुमाट्रिप्टान, प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर, और इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक में एमिट्रिप्टालिन आपने यूज़ करनी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में फ्लू नेराजीन है, वेलप्रोइक एसिड, सिप्रोहेप्टाडीन है, मिथाइसर्जाइड है जो कि एरगार्ड एल्कलाइड से बिलोंग करता है, पेपरवेरीन है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है प्रोपेनोलोल। अब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन की फार्माकोलॉजी को कवर कर लेते हैं। नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोमक के म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव फॉर स्टोमक, रीनल वैस्कुलेचर को डायलेट करके GFR को मेंटेन करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेबर को इनिशिएट करते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस को मेंटेन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के एनालॉग या इसके जो एगोनिस्ट होते हैं माइसोप्रोस्टोल और एल्प्रोस्टाडिल, एल्प्रोस्टाडिल मेल इंपोर्टेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि माइसोप्रोस्टोल ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, माइसोप्रोस्टोल को हम इस्तेमाल करते थे जो माइफेप्रिस्टोन के साथ फॉर अबॉर्टिफिशियंट अबॉर्शन के लिए। इसके अलावा ये जो अल्सर वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डक्टस आर्टेरियोसस को मेंटेन करता है। डाइनोप्रोस्टोन इस्तेमाल होता है सर्विकल राइपनिंग के लिए, और अबॉर्टिफिशियंट एजेंट भी है डाइनोप्रोस्टोन, PGF2 का एगोनिस्ट होता है। PGF2 अल्फा एगोनिस्ट में कार्पाप्रोस्ट और लेटानोप्रोस्ट, कार्पाप्रोस्ट वंस अगेन अबॉर्टिफेसिन, लेकिन लेटानोप्रोस्ट इस्तेमाल होता है ग्लोकोमा के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में इस्तेमाल होता है प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि वैसोडाइलेशन करता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 और F2 ये डिसमिनोरिया करवाते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है, और इसके साथ ये PGI2 वाले फंक्शन को भी एंटागोनाइज करवाता है। PGI2 वेजोडाइलेटर, ये वेजो कॉन्स्ट्रक्टर, PGI2 वेजो या PGI2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को ब्लॉक करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं ड्रग्स यूज फॉर ग्लोकोमा। तो पहले ड्रग है एस्ट्राजोलामाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, पहले आप इसको इंट्रावीनस लेते हैं फिर आपको ओरल डोज से लेते हैं, मैनिटोल इंट्रावीनस फॉर्म में दिया जाता है। टॉपिकल ड्रग जो अप्लाई होती है पहले पाइलोकार्पिन है जो कि मस्क्रीनिक एगोनिस्ट होती है, टिमालोल बीटा ब्लॉकर है, डोर्सोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। एंटी ग्लोकोमा ड्रग के अंदर बीटानोप्रोस्ट है जो कि लेटानोप्रोस्ट जैसी बिहेव करती है, ट्रावाप्रोस्ट यानी प्रोस्ट वाले एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स है, ठीक है, एंटी ग्लोकोमा ड्रग है। ग्लोकोमा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेटानोप्रोस्ट वाला। ओके, लेटानो प्रोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम यूएसएमली के सिनेरियो में। 66 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट टू द ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट इन ओहियो विथ एक्यूट ऑनसेट ऑफ सीवियर ऑक्युलर पेन एकम्पनीड बाय ब्लड वीएन, के ब्लड वीएन है
और लाइट्स के अराउंड हेलोस आ रहे हैं। लाइट एंड लेफ्ट आइज के रेड है और हार्ड हो गया। कॉर्निया स्टीमिया पेरेंस एमिड्रियासिस नोट हुई है। तो कौन सी ड्रग हमने यूज़ करनी है, सारा ये साइंस सिम्टम है ग्लूकोमा के बता रहे हैं, ठीक है। ब्लड वेन है, हेलोस अराउंड द लाइट, तो ग्लूकोमा को बता रहे हैं। ग्लूकोमा के लिए ड्रग इस्तेमाल होती है एस्ट्राजोनमाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। पहले आप इंट्रावेनस फॉर्म में देते हो, फिर आप उसको ओरल डोज से दे दोगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन इरिवर्सिबल साइक्लोक्सीजिनेस इनहिबिटर है जो एंटी प्लेटलेट एंड एनल्जेसिक एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखती है। ये प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोक्सिन ए2 की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी बाय इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन। जो एस्पिरिन होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है, बाकी रिवर्सिबल होती है। अब प्लेटलेट के ऊपर इस तरह से काम करती है कि प्लेटलेट के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 और थ्रोम्बोक्सिन ए2 इन दोनों की प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2 दोनों की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। लेकिन प्लेटलेट के अंदर प्लेटलेट प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बोक्सिन ए2 और एंडोथीलियल सेल प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन। लेकिन प्लेटलेट ए न्यूक्लियेट होते हैं, वो नहीं इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन एंडोथीलियल सेल इसको ओवरकम कर सकते होते हैं। ओके, लेकिन एस्पिरिन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। GIT ब्लीडिंग, जिसमें सेलिसाइलिज्म ब्लीडिंग, टीनाइटस, वर्टिगो हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो सकती है, राइस सिंड्रोम हो सकता है। ओके, और BT आपने बताना ये क्या होता है, BT क्या होता है मैं ही बता दे, तो ब्लीडिंग टाइम होता है, बढ़ जाता होता है। दूसरे एनसेट के अंदर जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं, कुछ सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव में इबोप्रोफीन, नाप्रोक्सोन, एंडोमेथासिन, एक्टोरोलैक है और सुलिंडेक है। जबकि सिलेक्टिव के अंदर सिलोकॉक्सिब, इटरोकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, ल्यूमिनोकॉक्सिब, ब्रोफिकॉक्सिब। जो प्रेफरेंशियल साइक्लोक्सीजिनेस टाइप 2 में इसमें न्यूमिसुलाइट, मेलोक्सिकाम और न्यूबोमिटोन, लेकिन ये आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं एस्टामिनोफेन। एस्टामिनोफेन के पास दो ही फंक्शन होती है, एक एनर्जेसिक फंक्शन और एक एंटीपायरेटिक। इसके पास कोई एंटीप्लेटलेट, कोई राइस सिंड्रोम नहीं करवाता, ना ही कोई ब्रोंकोस्पैज़म है, GIT के अल्सरेशन भी नहीं कराता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर इसको ज़्यादा ले लो और ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हिपाटोटॉक्सिटी करवा सकता है। और इसका एंटीडोट होता है एनिसिटाइल सिस्टीन। ओके, एनिसिटाइल सिस्टीन। ओके, अब डायूरेटिक साइट ऑफ एक्शन नहीं बल्कि डायूरेटिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर हमने एस्टामिनोफेन, एस्पिरिन और इन सब चीज़ों को रिवाइज किया है और आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो गई है, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये सब कुछ फ्री 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 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।